हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे स्नेक फ्रेंड सुमित यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सवेरे हमने इसको रेस्क्यू किया था, बहुत ही प्यारा सांप। और ये पहली बार मैंने रेस्क्यू किया इसको, बहुत ही प्यारा। इसका नाम है कवड़िया सर्प, इंग्लिश में उल्फ स्नेक भी कहते हैं इसको। और कभी कभी क्या होता है, गाँव में कभी कभी ऐसे सांप निकलते हैं तो कभी कभी लोग इसको मनिया समझ के मार डालते हैं, जहरीला समझ के मार डालते हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। सिर्फ इसके बाइट करने के बाद आपको सर्दी खांसी हो सकती है, क्योंकि जो एक चिपकली में जो पॉइजन रहता है इसके दांत में, जो ये चिपकली ज़्यादातर चिपकली खाता है, उसकी वजह से इसके दांत में वो पॉइजन थोड़ा बहुत रहता है, उसकी वजह से आपको सर्दी और खांसी हो सकती है। बहुत ही प्यारा और दुर्लभ, ये भी दुर्लभ सांप है बहुत ही। और इसको मैं बताऊंगा आपको एक मनियार में और कवड़िया सांप में क्या अंतर रहता है। तो दोस्तों, ये कभी भी बाइट कर सकता है, नज़रें जमा के रखिए, कभी भी हादसा हो सकता है। तो दोस्तों, इसको भी हम यहीं पर जो सवेरे रेस्क्यू छोड़ा था इधर ही, मतलब रिलीज किया था, इसको भी हम यहीं पर ही रिलीज करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से बिहेव करता है हमारे साथ और किस तरह से नहीं। बहुत ही प्यारा सांप है, पर काटने में ये भी माहिर है, किसी को भी बख्शता नहीं ये काटने के मामले में। तो दोस्तों, कभी कभी लोग इसको कवड़िया नाग भी कहते हैं, तो हालांकि ये कवड़िया नाग नहीं है, ये सिर्फ कवड़िया सर्प है। और कवड़िया नाग वालसिंग मनिया जो रहता है उसको कवड़िया नाग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम रिलीज करते हैं यहीं पर। बहुत ही फुर्तीला, बहुत ही प्यारा सांप है। निकल भाई, ये दोंगे वीडियो। क्लियर। तो दोस्तों, ये देखिए, इसके शरीर के ऊपर सिर्फ एक एक पट्टा रहता है। दोस्तों, इसको पहचानने की यही खूबी है, इसके शरीर के ऊपर एक एक पट्टा ही रहता है। और जो मनियार रहता है उसके शरीर के ऊपर दो पट्टे रहते हैं दोस्तों। तो इसको पहचानने में बहुत ही मतलब आसान तरीका है, इसके ऊपर एक एक पट्टा रहता है और मनियार के ऊपर दो पट्टे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बिना छेड़छाड़ किए, हो सकता था ये काट भी सकता था, पर इसको बिना छेड़छाड़ किए अभी इसको यही रिलीज कर देते हैं, क्योंकि इसके काटने के बाद खांसी और सर्दी हो सकती है। ये अपने पकड़ के लिए बहुत ही जाना जाता है, किसी भी दीवार के ऊपर बड़ी आसानी से ये चढ़ सकता है। और ये कल हमने एक घर के अंदर रेस्क्यू किया था इसको, जो एक चिपकली खाने के चक्कर में एक पत्थर के नीचे, मतलब जो छत रहता है उसके नीचे छुप गया था दोस्तों।